दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में और साथ ही साथ रिलायंस ग्रुप के बारे में। आज का दिन टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा यहां पर अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो डेफिनेटली इन दोनों ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो यदि आपने भी टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और खासकर उन दो शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के अंदर इन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूं इन शेयर्स के बारे में और साथ ही साथ जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता हो कि लास्ट टाइम मैंने अक्टूबर मंथ में आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहां पर लाया गया था, जिसमें 18,100 करोड़ रुपए का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लेकर आया था, जिसमें 15 गीगावाट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की यहां पर आउटले लाया गया था, जिसमें टोटल में 100 कंपनीज यहां पर पार्टिसिपेट होती हुई देखने को मिली थी। लेकिन उसमें 20 कंपनियों ने बिड लगाई थी और ये 20 कंपनियों में जो सबसे पहला नाम हमें देखने को मिल रहा है वो टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप का ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ की आपको डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं 7 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन की ये न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं एज मेनी एज 20 कंपनीज इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्री, ओला इलेक्ट्रिक एंड टाटा केमिकल्स रिपोर्टेडली एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि PLI स्कीम का बेनिफिट उठाते हुए हमें ये कंपनियां देखने को मिल रही है, जिसमें मेनली रिलायंस और टाटा ग्रुप की दो कंपनियों के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा केमिकल्स। ये PLI स्कीम काय के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बैटरीज कंसिडर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पावर को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री सेल बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यहां पर बीट आते हुए देखने को मिल रही थी टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की तरफ से, अब वो फाइनली यहां पर हमें शॉर्ट लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इससे टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर रिप्लाई निकल कर आया है वो भी काफी ज्यादा यहां पर हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अरुण गोयल जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उनको जो यहां पर रिस्पांस मिला है इस PLI स्कीम को लेकर वो जो एक्सपेक्टेशंस था उससे भी काफी बेटर यहां पर देखने को मिला है। वी हैव नोटिफाइड द स्कीम फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 50 गीगावाट बट द इंटरेस्ट इज मोर देन डबल दैट। तो यहां पर ऑलमोस्ट डबल का यहां पर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेकर, और मेनली यहां पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसी कंपनी ने दिखाया है तो वो है रिलायंस ग्रुप और साथ ही साथ टाटा केमिकल्स ने। ये जो बिडिंग हमें देखने मिली ही यह अल्टीमेटली 2 स्टेज प्रोसेस में हमें देखने को मिली थी, जिसमें अंडर क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मैकेनिज्म द बिडिंग विल बी हेल्ड ऑनलाइन देखने को मिली थी। तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इन दोनों कंपनियों को, जिससे ये अपना बिजनेस को एक्सपांड कर पाएगी और साथ ही साथ इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से जो सेल बैटरीज है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए हमें देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ट्रेंड चार्ट के बारे में और क्या आपको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी टाटा केमिकल्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें 1.5% तक के शानदार मूवमेंट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वहीं जैसे ही आज के दिन मार्केट में ये न्यूज निकल कर आती है हमें इस शेयर के अंदर मार्केट क्लोज होने तक काफी अच्छी फ्रेश बाइंग भी आते हुए देखने को मिलती है। टाटा केमिकल्स ने भी पिछले 1 साल में 78% तक के शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो लगभग 778% तक के शानदार रिटर्न्स हमें इस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बात करें टाटा केमिकल्स के वॉल्यूम बेस्ड काम के बारे में, तो आज के दिन हमें NIC के अंदर टाटा केमिकल्स की 4,22,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके सामने लगभग 29% क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। लेकिन फर्स्ट सेशन से ही हमें आज के दिन टाटा केमिकल्स का शेयर काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, एक गेप अप ओपनिंग हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिली। साथ ही साथ शेयर्स ने 910 रुपये 50 पैसे का हाई भी बनाया था और 909 रुपये 50 पैसे की इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, यानी कि शेयर्स के
अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स अब हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टाटा केमिकल्स को अगर फंडामेंटली भी चेक करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वार्टर टू के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू लगभग 15.84% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट 213% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो नो डाउट टाटा केमिकल्स के अंदर अगर आपने पोजिशंस बनाए रखी है, टेक्निकल चार्ट पर भी ये शेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। इसके RSI लेवल और MFI लेवल पूरी तरीके से मिड रेंज में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। टाटा केमिकल्स के लिए जो इंपोर्टेंट यहां पर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो 870 रुपए का निकल कर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो 950 रुपए का फर्स्ट रेजिस्टेंस, देन 1000 रुपए का सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, चाहे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात कर लें या फिर वर्किंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पर आज के दिन हमें इस शेयर्स के अंदर 0.82% तक के पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बीच में हमें इस शेयर्स के अंदर लगभग 2400 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन शेयर्स ने फिर भी यहां पर ऑलमोस्ट 0.82% तक की शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर दी है। इन्हीं सबके बीच में रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर एक और बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री ने यहां पर 736 मिलियन यूएस डॉलर का फंड रेज किया है, काय के लिए, सोलर परचेस करने के लिए। जी हां दोस्तों, ये सोलर परचेस करने के लिए कंपनी ने ग्रीन लोन यहां पर लिया है और गोल्डमैन सेंज की तरफ से इसे काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज ही की रिपोर्ट गोल्डमैन सेज की तरफ से निकल कर आई है, जिसमें गोल्डमैन सेज ने रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर बाय की रेटिंग दी है और उन्होंने यहां पर कहा है कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स उठाई गई है, उसके बाद आपको इसकी शेयर प्राइस के अंदर लगभग 12% तक के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। गोल्डमैन सेज की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर जो टारगेट प्राइस यहां पर दिए गए हैं वो 3185 रुपए के टारगेट प्राइस दिए गए हैं। तो यदि आपने भी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप भी अब अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। आज के दिन हमें रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, 2404 रुपए का शेयर्स ने हाई भी बनाया, लेकिन अगेन हमें इस शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये शेयर्स भी लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत ही शानदार है, यहां पर भी आप बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की भी बात करें तो आज के दिन हमें रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी काफी शानदार डिलीवरेबल बेस काम देखने को मिल रहा है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, तो रिलायंस इंडस्ट्री के भी फाइनेंशियल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां कंपनी का रेवेन्यू 50.68% से और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 43% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के भी टेक्निकल लेवल्स की बात करी जाए तो वो भी हमें पूरी तरीके से मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री के भी अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आप 2350 रुपए का सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए, देन 2300 रुपए के अगेन सेकेंड सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और जो गोल्डमैन सेज ने यहां पर टारगेट दिए हैं उन टारगेट प्राइस को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।